हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं एक बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका स्फीयर ऑफ एक्शन किडनी पर है, लीवर पर है, स्प्लीन पर, इवन हार्ट पे भी है। और खास बात, अगर किडनी, लीवर, स्प्लीन या हार्ट किसी भी बीमारी में इन्वॉल्व होता है तो जनरल बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है, जिसको ड्रॉप्सी बोलते हैं या फिर एनासार का, यानी बॉडी में सूजन आ जाती है। तो सूजन के लिए बेहतरीन मेडिसिन है बोरिक की मेट्रेमेट, क्या में लिखा है। जिसको भी कंफ्यूजन कुछ हो रहा हो तो आप बोरिक की मेट्रेमेट क्या में आप पढ़ लीजिए, क्लियर कट लिखा है ये प्रॉम्प्ट डायुरेटिक्स, यानी तुरंत डायुरेटिक्स का काम करेगा। डायुरेटिक्स मतलब बॉडी से फ्लूइड्स को बाहर निकालेगा। इस वीडियो में हम लोग यही समझने की कोशिश करते हैं कि जो लिएट्रिस स्पाइकेटा है इसका स्फीयर ऑफ एक्शन किस तरह से बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है और बीमारियों को ठीक करता है, पूरी बात समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, क्लियर कट पहली लाइन लिखा है वैस्कुलर स्टिमुलेंट, यानी जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है, यानी जो ब्लड सर्कुलेशन है, उसको स्टिमुलेट करता है। तो देखिए, जो ब्लड सर्कुलेशन है अगर वो स्टिमुलेट होगा तो ब्लड सर्कुलेशन बेसिकली करता है क्या है कि ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी से, और उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट और वाटर का भी। तो अगर ब्लड वैस्कुलर सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो कहीं पे भी अगर इकट्ठा है फ्लूइड्स, तो अगर ये सर्कुलेशन बढ़ेगा तो सीधी बात है कि फ्लूइड्स मेन सर्कुलेशन में आ जाएगा, यानी ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के सर्कुलेशन में आ जाएगा, ब्लड में आएगा। और अगर ब्लड में आएगा तो सीधी सी बात है कि वो कभी फ्लो करते करते पहुंचेगा किडनी तक और किडनी फिल्टर करके उसको बाहर निकालेगी। तो जो ब्लड सर्कुलेशन है, वैस्कुलर एक्टिविटी है, उसको बढ़ा देता है। अब किसकी एक्टिविटी बढ़ाता है, स्किन की बढ़ा देता है, और प्लस म्यूकस मेम्ब्रेन की, स्क्रीन और म्यूकस मेम्ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। अब स्किन की एक्टिविटी को बढ़ा देगा तो थोड़ा पसीना भी हो जाएगा अगर आप काम करते हैं तो, और पैदल चलते हैं या फिर कुछ भी एक्सरसाइज किया तो पसीना निकलेगा तो भी सूजन में ही हेल्प करेगा। और दूसरा म्यूकस मेम्ब्रेन यानी ऐसी मेम्ब्रेन जहां से कुछ फ्लूइड्स बनते हैं, सिक्रीशन बनते हैं, वो चाहे इंटेस्टाइन हो, चाहे लीवर, चाहे स्प्लीन, चाहे किडनी, तो इन सब की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो एक्टिवेट हो जाएंगी तो म्यूकस सिक्रीशन करने लगेंगी, और म्यूकस सिक्रीशन यानी जो एक्सेस सरप्लस वाटर है उसको बाहर निकालेंगी। तो देखिए, ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करता है तो फ्लूइड्स जो इकट्ठा है वो रियल सर्कुलेशन में आ जाएगा। होता क्या है कि जो कहीं पे भी सूजन आती है तो ब्लड की जो नलिकाएं हैं उसके चारों तरफ जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, इसमें फ्लूइड्स इकट्ठा होता है। तो ब्लड तो इधर से फ्लो कर रहा है लेकिन इससे फ्लूइड्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या करेगा कि ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करेगा, तो यहां पे जो आर्टरी और वेन्स हैं वो भी स्टिमुलेट होंगी, क्योंकि ये जो फ्लूइड्स कभी इन्हीं में से बाहर गया है, फ्लूइड्स कहीं से बाहर से नहीं आया है, इसमें से फ्लूइड्स इधर गया फिर ये वापस नहीं आ पाया। अब कहेंगे बाहर क्यों जाता है, तो बाहर इसलिए जाता है कि अगर फ्लूइड्स बाहर नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन और फूड ये सब कैसे बाहर जाएगा। तो ऑक्सीजन फूड बाहर जाए इसके लिए जरूरी है कि फ्लूइड थोड़ा रिसे कोशिकाओं में जाए, फिर वहां से वापस इकट्ठा हो जाता है, ऑक्सीजन यूज कर ली जाती है, फिर CO2 को वापस इकट्ठा कर लेगा, और जो वेस्टेज फूड मटेरियल होगा उसको भी वापस इकट्ठा कर लेगा। तो इस तरह से पूरी बॉडी की प्रक्रिया चलती रहती है। तो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को एक्टिवेट कर देता है। तो कहीं पे भी सूजन जो आ रही है, पेट के चारों तरफ आ रही है, तो उसको एसाइटिस बोलते हैं या फिर ड्रॉप्सी। तो देखिए लिखा है इंक्रीज फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी लिएट्रिस स्पाइकेटा स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज करेगा तो किस में हेल्प आएगा, ड्रॉप्सी में। ड्रॉप्सी
होने के जो तीन प्रमुख कारण है, या तो लीवर में कोई डिजीज हो, हेपेटाइटिस हो सकता है, या फिर जॉन्डिस हो सकता है, या फिर इसी टाइप के फैटी लीवर, कई बीमारियां हो सकती हैं। तो लीवर से संबंधित कोई भी बीमारी हो, उसकी वजह से अगर ड्रॉप्सी आ रही हो, या फिर स्प्लीन बढ़ गई हो, स्प्लीनोमेगेली हो गया हो, या फिर किडनी इन्वॉल्व हो, यानी किडनी कम सिक्रीशन कर रही हो, किडनी की म्यूकस मेम्ब्रेन कम सिक्रीशन करेगी तो कम यूरिन बनेगा, और कम यूरिन बनेगा तो बॉडी में सूजन आएगी। तो ड्रॉप्सी लीवर, स्प्लीन या फिर किडनी डिजीज की वजह से हो। और एनएसआर का मतलब पूरी बॉडी में सूजन आ रही है, चेहरे पर, पेट में, पैर में, हर जगह थोड़ी थोड़ी सूजन है, यानी ये पोर्शन कुछ बचा नहीं है कि यहाँ पे सूजन नहीं है, तो उसको एनएसआर का बोलते हैं। तो एनएसआर का होने का रीजन क्या है? हर्ट और किडनी, किडनी और हर्ट इन्वॉल्व है। देखिए, हर्ट पंप करेगा, सर्कुलेशन बढ़ाएगा, किडनी उसको फिल्टर करके बाहर निकालेगी। अगर इन दोनों में दिक्कत है या किसी एक में दिक्कत है तो जनरल बॉडी में फ्लूइड्स इकट्ठा होने लगता है, उसको एनएसआर का बोलते हैं। और एनएसआर का की वजह से भी जो फ्लूइड्स इकट्ठा है, यानी जो ड्रॉप्सी है या फिर एनएसआर का है, तो इतने कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, इस वजह से जो बॉडी में फ्लूइड्स होगा उसको बाहर निकालेगा। इसलिए क्लियर कट लिखा है बोरिक मेट्रिया में, ए प्रॉम्प्ट डायुरेटिक्स, यानी ऐसा डायुरेटिक्स जो तुरंत तात्कालिक तरीके से काम करता है। तो इतनी अच्छी मेडिसिन है, जो कुछ भी बातें हैं सब बोरिक मेट्रिया में है, आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ये जो लिएट्रिस स्पाइकेटा है काम करती है। और आपके नियर बाय रिलेटिव में किसी को भी अगर दिक्कत है इस तरह की, तो जो भी दवा ले रहे हैं उसको लेते रहें, लिएट्रिस स्पाइकेटा को भी ट्राई करें, लाभ पाएं, बीमारी में हेल्प होगी। लेने का तरीका सिंपल सा, आप लिएट्रिस स्पाइकेटा मदर टिंचर ले लीजिए, ठीक है, इसका 15 बूंद 3 टाइम 1/4 कप पानी में घोलकर, इसका यूज करें और बेहतर रिजल्ट आएगा। इसी तरीके के और बेहतरीन वीडियो हैं, आप उनको देखें, जानकारी बढ़ाएं, बीमार होने की संभावना को कम करें। बात समझ में आई? तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब करना आसान है, पैसा नहीं लगता, नीचे रेड कलर के बटन दिखे उसको दबा दीजिए, काला हो जाएगा, नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और इस तरह से जानकारी बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।